हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं कुमार चंदन फिर से आपके लिए लेके आया हूँ ग्रामर स्ट्रेटजी एसएससी सीजीएल 2017 के लिए। आज का टॉपिक है हमारे पास सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। इस टॉपिक को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं ताकि इसको और अच्छी तरह से समझा जा सके। आइए इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं। इस टॉपिक को शुरुआत करने के पहले जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा उसे एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन इसलिए कि आप लोगों सब भूल ना जाए, याद रहे, अच्छा रहेगा। तो हम लोगों ने क्या देखा, नाउन और प्रोनाउंस का यूज कहाँ हो रहा था। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के जगह हम लोग नाउन और प्रोनाउन का यूज कर रहे थे। अगर प्रोनाउन का यूज सब्जेक्ट का जगह कर रहे थे तो नॉमिनेटिव प्रोनाउन का यूज कर रहे थे। प्रोनाउन का यूज अगर ऑब्जेक्ट का जगह कर रहे थे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज कर रहे थे। वर्ब क्या होता था, वर्ड ऑफ डूइंग को वर्ब कहते थे और वर्ब एक नाउन के जगह या एडजेक्टिव के जगह भी यूज हो रहा था। हम लोगों ने देखा एडजेक्टिव क्या करता है, एडजेक्टिव किसी नाउन के मीनिंग को मॉडिफाई करता है, उसके मीनिंग को और स्पेसिफिक बनाता है। हम लोगों ने देखा था एग्जांपल में भी देखा था इंजीनियर्स मिसाइल, या फिर वह किसी नाउन के बारे में क्या क्यों कैसे का आंसर करता है। एडवर्ब क्या करता है, एडवर्ब किसी वर्ब या एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई करता है, या दूसरे शब्दों में बोले तो एडवर्ब किसी वर्ब के या एडजेक्टिव के या फिर एडवर्ब के बारे में क्या क्यों कैसे का आंसर करता है। कंजक्शन का क्या काम था, कंजक्शन का काम ज्वाइन करने का था। वो दो नाउन प्रोनाउन को या एक पार्ट ऑफ स्पीच से दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ रहा था, दो सेंटेंस को एक सेंटेंस में जोड़ रहा था, दो सिमिलर आइडिया को एक साथ जोड़ रहा था। प्रीपोजिशन का काम क्या था, प्रीपोजिशन का काम, प्रीपोजिशन नाउन और प्रोनाउन के बीच में कनेक्टिंग लिंक का काम करता है। यहाँ पर देखिए नाउन प्रोनाउन बीच में प्रीपोजिशन नाउन प्रोनाउन, इसको हम लोगों ने एग्जांपल के साथ देखा था, समझा था। एक और रूल हम लोगों ने फॉर्मुलेट किया था कि आफ्टर अ प्रीपोजिशन जो भी प्रोनाउन आएगा, पर्सनल प्रोनाउन आएगा, वह ऑब्जेक्टिव केस में होगा। एक और चीज़ देखा था हम लोगों ने, जब बट का मीनिंग एक्सेप्ट हो, बट का मीनिंग जब एक्सेप्ट हो तो वह एक प्रीपोजिशन का काम करता है। इसके अलावा हम लोगों ने ये भी देखा था कि कौन सा वर्ड किस सेंटेंस में क्या फंक्शन करता है, इसके ऊपर पार्ट्स ऑफ स्पीच डिपेंड करता है। ये नहीं कि वो बाय बर्थ या बाय डिफॉल्ट बाय नेचर क्या है। जैसे हम लोगों ने देखा था कि एक नाउन एक वर्ब नाउन का भी काम कर रहा था, एडजेक्टिव का भी काम कर रहा था और आपका सब्जेक्ट का भी काम कर रहा था। जैसे बट हम लोगों ने देखा कि प्रीपोजिशन का भी काम किया और कंजक्शन का भी काम किया, तो हम लोग बट को प्रीपोजिशन या कंजक्शन नहीं कह सकते हैं जब तक ले वो सेंटेंस में किस लिए यूज हुआ है ये ना देखें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज का हम लोगों का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, जो हमेशा हमेशा एसएससी सीजीएल एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं, आपके कॉमन एरर में आ सकते हैं या फिर सेंटेंस करेक्शन या इम्प्रूवमेंट में आ सकते हैं। तो इसे देखना बहुत ही ज़रूरी है और समझना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। देखते हैं सबसे पहले कि किस तरह के प्रॉब्लम आते हैं एसएससी सीजीएल में। इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं, ये कुछ प्रॉब्लम को मैंने नोट डाउन किया हुआ है और इसको हम लोग थ्योरी के द्वारा देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद लास्ट में इसको सॉल्व भी करेंगे। इसके पहले हम लोग देखते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट आखिर में होता क्या है। देखिए दो वाइटल वर्ड हैं किसी भी सेंटेंस के, एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है वर्ब। इन दोनों के बीच दो तरह के एग्रीमेंट हुए हैं, सब्जेक्ट और वर्ब में दो तरह के एग्रीमेंट हैं। एक तो एग्रीमेंट ये कि जब भी कोई सब्जेक्ट आएगा तो वर्ब का आना जरूरी है, अगर वर्ब आएगा तो सब्जेक्ट का आना जरूरी है, अदरवाइज वो सेंटेंस गलत होगा। दूसरा एग्रीमेंट क्या है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब भी होगा, प्लुरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी प्लुरल होगा। तो दो एग्रीमेंट क्या है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में दोस्तों, ये एक कि जब भी कोई सब्जेक्ट आएगा तो एक वर्ब भी आएगा, मतलब वर्ब का एक सब्जेक्ट होगा, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो तब वर्ब भी सिंगुलर होगा, जब सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो वर्ब भी प्लुरल होगा।
इसको समझते हैं, दोनों एग्रीमेंट को एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे इस एग्जांपल को देखिए, सी आर गोइंग, देखिए ये आर क्या है दोस्तों, आर एक प्लुरल वर्ब है और ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए दोनों के बीच जो एग्रीमेंट साइन हुआ है वो काम नहीं कर रहा है, इसलिए ये गलत है। तो क्या करेक्ट होगा, सी इज गोइंग। यहाँ पे दूसरे एग्जांपल में देखिए, वी इज कमिंग, इस जगह फिर से ये वर्ब सिंगुलर है और सब्जेक्ट प्लुरल है, तो वर्ब को प्लुरल करना होगा। आर ही कमिंग, देखिए वर्ब प्लुरल है और सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब को हमें चेंज करके सिंगुलर बनाना होगा। जब भी हम इस सिचुएशन में हो कि वर्ब गलत है और सब्जेक्ट गलत है और किसको हम लोग चेंज करें, तो हमेशा आप ट्राई करिए कि वर्ब को चेंज करना है। सब्जेक्ट तब तक चेंज नहीं होगा जब तक सब्जेक्ट गलत ना हो, सब्जेक्ट तब तक चेंज नहीं होगा तब तक सब्जेक्ट गलत ना हो। जैसे पीछे एग्जांपल में देखा सी आर, तो हम लोग आप बोलेंगे कि देख भी कर सकते हैं, आर क्यों चेंज करेंगे, लेकिन नहीं, प्रेफरेंस हम लोगों का होगा वर्ब चेंज करने में। ठीक है, आगे देखते हैं। ये तो दूसरे वाले का था, कि दूसरे वाले का था एग्रीमेंट कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब और प्लुरल सब्जेक्ट प्लुरल वर्ब। पहला वाले का एग्जांपल देखते हैं, सीइंग मी सी बिकेम हैप्पी, तो कौन हैप्पी हो जाता है, कौन इस सीइंग हो जाता है, इसका सब्जेक्ट क्या है, सी, सीइंग का सब्जेक्ट क्या है, सी, तो यहाँ पे एक का सब्जेक्ट है, मतलब ये वाले का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सही है। दूसरा वाला एग्जांपल लिखते हैं, द फोर्थ सराउंडेड बाय सोल्जर्स हैड नो चॉइस बट सरेंडर। आप इसमें देखिए कौन सरेंडर करने वाले हैं, सोल्जर या फोर्थ, किला कैसे सराउंड करेगा किसी को, तो इसमें जो यूज हुआ है सब्जेक्ट वर्ब का वो एक तरह से वेग है, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। और इसमें क्या हुआ है, सेंटेंस और वर्ब का सही एग्रीमेंट नहीं हुआ है पहले वाले का। आइए दोस्तों देख लेते हैं कि सिंगुलर वर्ब कौन कौन है और क्या क्या है। सिंगुलर वर्ब में इज, वाज, हैज, टेक्स, गोज, नोज या किसी भी मेन वर्ब को एस या इस ई एस लगा देंगे तो सिंगुलर हो जाता है। प्लुरल वर्ब कौन कौन से हैं, आर, वर, हैव, गो, सी, नो, ये सब मेन वर्ब हैं और इसमें बिना एस और ईएस का हम लोग यूज किए हुए हैं तो ये प्लुरल होते हैं। देखिए अभी तक हम लोगों ने देखा कि सब्जेक्ट और वर्ब में कुछ एग्रीमेंट होते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब में कुछ डिसएग्रीमेंट भी होते हैं जो देखने से देखे जा सकते हैं, पहचाने जा सकते हैं। क्या है वो डिसएग्रीमेंट, नाउन प्लस एस और ईएस, वर्ब विथ विदाउट एस और ईएस। जब भी नाउन में एस और ईएस लगा रहेगा, मतलब लगा रहेगा, तो वर्ब में एस और ईएस नहीं लगा रहेगा। जब भी वर्ब में एस और ईएस लगा होगा तो नाउन में नाउन विदाउट एस और ईएस होगा। अगर इसको हम लोग इनडायरेक्टली देखें दोस्तों, तो इस वाले एग्रीमेंट का ही ये डिसएग्रीमेंट है। तो और एक और चीज़, जब भी हम लोग किसी सेंटेंस में कोई हेल्पिंग कोई वर्ब पर जाता है तो उसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब के नंबर को चेंज करेंगे, मेन वर्ब ज्यों का त्यों बना रहेगा। जब भी किसी सेंटेंस में कोई वर्ब फ्रेज आता है तो उसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब के नंबर को चेंज करेंगे, मेन वर्ब ज्यों का त्यों बना रहेगा। वर्ब फ्रेज क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे इसको, इसके पहले हम लोग सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। वर्ब को हम लोग पिछले लेक्चर में समझा था कि क्या करता है, सब्जेक्ट को और डिटेल में समझते हैं। दोस्तों किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक पहला पार्ट जो अप टू वर्ब तक सब्जेक्ट कहलाता है और बाकी दूसरा पार्ट आपका प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे द गोवा समिट, ये इस सेंटेंस में द गोवा समिट वाज हेल्ड इन अक्टूबर, ये इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, वाज हेल्ड इन अक्टूबर, ये प्रेडिकेट है। तो सब्जेक्ट को पहचानेंगे कैसे, हम लोग किसके बारे में क्या बात कर रहे हैं वह सब्जेक्ट होता है। वो क्या हम किसके बारे में बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट होता है, या फिर जो
कार्य करता है, जो करता होता है वो सब्जेक्ट होता है, प्रीडिकेट वाला पार्ट कौन होता है, जो क्या क्यों कहाँ कैसे का आंसर दे वो प्रीडिकेट का पार्ट होता है। जैसे हम लोग द गोवा समिट, ये कार्य कर रहा है इसलिए ये समिट है, और क्या हुआ हेल्ड इन अक्टूबर, तो ये आपका प्रीडिकेट होता है। तो इस सेंटेंस में द गोवा समिट सब्जेक्ट और हेल्ड इन अक्टूबर प्रीडिकेट। और एग्जांपल देखते हैं, द ट्रूमैन वाज इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इन 1944। इसमें दोस्तों देखिए, ये वर्ब के पहले जो भी है वो सब्जेक्ट पार्ट में आता है, और ये ट्रूमैन सब्जेक्ट है, और वर्ब के बाद हम लोग जो भी है वो प्रीडिकेट है। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ट्रूमैन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो सब्जेक्ट है। और ट्रूमैन के बारे में हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि ही वाज इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इन 1944। अगला एग्जांपल देखते हैं, राम एंड श्याम आर कमिंग। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग राम और श्याम के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए ये सब्जेक्ट। और राम और श्याम के बारे में क्या बात कर रहे हैं, दे आर कमिंग, तो ये प्रीडिकेट हुआ। अगला एग्जांपल, कैप्टन अलोंग विद द सेलर्स डज द रिमार्केबल जॉब। किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, कैप्टन अलोंग विद द सेलर्स, तो वह सब्जेक्ट हुआ। और क्या बात कर रहे हैं कि दे डज द रिमार्केबल जॉब, तो ये प्रीडिकेट हुआ। आप लोग को शायद सब्जेक्ट और प्रीडिकेट क्लियर हो गया होगा, फिर भी मैं एक बार बता दूं, जिसके बारे में हम लोग बात करें वो सब्जेक्ट होगा, और उस सब्जेक्ट के बारे में हम लोग क्या बात करते हैं वो आपका प्रीडिकेट वाला पार्ट होगा। देखिए, ये तो था कि सेंटेंस का सब्जेक्ट, लेकिन वर्ब का भी एक अपना सब्जेक्ट होता है, वर्ब का भी अपना एक सब्जेक्ट होता है, उसे देखते हैं। कभी कभी क्या होता है कि सब्जेक्ट लॉन्ग टेल ना हो के सिंगल हो, जैसे इसमें रूमी वाज ऑपरेटेड फॉर ट्यूमर, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, रूमी एक नाम है, तो ऐसे ही पता चल जा रहा सब्जेक्ट है। रिचार्ज ब्यूटीफुल एक नाम, ये सब्जेक्ट। हाउसेज कुड वंस बिल्ट इन 8 वीक्स, तो इसमें हाउसेज सब्जेक्ट। फ्लावर सब्जेक्ट, और ही टीचर्स इंग्लिश, इसमें ही सब्जेक्ट। जो सिंगल नाउन या प्रोनाउन होता है, जो सेंटेंस में सिंगल नाउन या प्रोनाउन होता है, वह वर्ब का सब्जेक्ट होता है, या इफेक्टिव सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहलाता है। सिंगल नाउन और प्रोनाउन क्या करता है, जो एक्सक्लूसिवली वर्ब को इन्फ्लुएंस करे वह होता है वर्ब का सब्जेक्ट। इसको और आसानी और समझते हैं आगे हम लोग। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि सब्जेक्ट, सेंटेंस का सब्जेक्ट और वर्ब का सब्जेक्ट दोनों आइडेंटिकल हो सकते हैं, एक हो सकते हैं। लेकिन सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस क्या क्या कंटेंट करता है पहले देख लें। सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब प्लस आपका एडजेक्टिव कंटेंट कर सकता है, कंजक्शन कंटेंट कर सकता है, वर्ब कंटेंट कर सकता है, फिर पोजिशनल फ्रेज और कोई पार्ट ऑफ स्पीच आपके सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस में हो सकते हैं। चलिए हम लोग सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस और वर्ब के सेंटेंस में डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं इस एग्जांपल के थ्रू। एक एग्जांपल हम लोगों ने लिया है, वीमेन आर फैसिनेटिंग क्रिएचर। इसमें क्या है, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब और सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस वीमेन है, मतलब वर्ब का सेंटेंस और पूरे सेंटेंस का आपका सब्जेक्ट एक ही है, वीमेन है। दूसरा इसी एग्जांपल में कुछ हम लोग प्रीपोजिशनल फ्रेज ऐड करते हैं। प्रीपोजिशनल फ्रेज हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि प्रीपोजिशन प्लस नाउन या प्रोनाउन को हम लोग प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। तो अब देखिए, इसी सेंटेंस में जो ऊपर वाला सेंटेंस है, ये वाला सेंटेंस, उसी सेंटेंस में हम लोग एक प्रीपोजिशनल फ्रेज ऑफ ब्यूटी ऐड कर देते हैं, कर दिए। तो वीमेन ऑफ ब्यूटी आर फैसिनेटिंग क्रिएचर। अब देखिए, सब्जेक्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट और वर्ब का सब्जेक्ट कैसे चेंज हुआ। सब्जेक्ट का सेंटेंस वीमेन ऑफ ब्यूटी,
वर्ब तक जो भी कुछ है, आपका हेल्पिंग वर्ब तक या वर्ब तक जो भी कुछ है वो सब्जेक्ट का सेंटेंस हो गया। लेकिन एक जो सिंगल नाउन है जो प्रीपोजिशनल फ्रेज में नहीं है वो विमेन, ये आपका हो रहा है क्या, वर्ब का सब्जेक्ट, वर्ब का सब्जेक्ट, क्योंकि उसी के हिसाब से वर्ब चेंज हो रहा है। आगे और देखते हैं, इसी उसी एग्जांपल में हम लोग क्या करते हैं, एक और एक वर्ब ऐड कर देते हैं, कंजक्शन ऐड कर देते हैं, एडजेक्टिव ऐड कर देते हैं। फिर देखते हैं, हेल्दी यंग वीमेन ऑफ ग्रेट ब्यूटी एंड डिलाइटफुली कर्वेशियस लाइंस आर फैसिनेटिंग क्रिएचर्स। अब देखिए सब्जेक्ट का सेंटेंस क्या है, हेल्दी यंग वीमेन ऑफ ग्रेट ब्यूटी एंड डिलाइटफुली कर्वेशियस लाइंस, यहाँ तक ये सब्जेक्ट का सेंटेंस है। लेकिन वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, वीमेन, जो सिंगल नाउन या प्रोनाउन है वह है वर्ब का सब्जेक्ट। तो अभी हम लोगों ने एग्जांपल में क्या देखा, जो सिंगल नाउन या प्रोनाउन होगा सेंटेंस में वह वर्ब का सब्जेक्ट होगा। और दूसरा रूल क्या है कि वर्ब का सब्जेक्ट किसी भी प्रीपोजिशनल फ्रेज में नहीं होगा, वो एडजेक्टिव कंजक्शन एंड वर्ब से फ्री होगा। लेकिन जो सब्जेक्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा उसमें नाउन प्रोनाउन भी हो सकते हैं, साथ ही साथ एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, कंजक्शन भी हो सकते हैं, वर्ब भी हो सकते हैं। जैसे इस वाले सेंटेंस में देखिए, ये कंजक्शन एंड वर्ब सब कुछ है इसके अंदर, और यहाँ से यहाँ तक आपका सब्जेक्ट बन रहा है। और लेकिन वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, सिंगल, जिसमें प्रीपोजिशनल फ्रेज नहीं है, प्रीपोजिशनल फ्रेज से मुक्त है वो। आगे देखते हैं कुछ और एग्जांपल, आर विमेन फैसिनेटिंग क्रिएचर्स, वर्ब क्या है, आर है, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब क्या है, विमेन। ठीक, तो हाँ, पीछे हम लोगों ने देखा था कि वर्ब फ्रेज क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब को हम लोग मिला के वर्ब फ्रेज कहते हैं। जब क्वेश्चन बने किसी चीज़, कोई सेंटेंस जब क्वेश्चन करे उसमें क्या होता है आपका कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आ जाता है, मतलब वर्ब फ्रेज को स्प्लिट करता है। तो क्या होता है वर्ब फ्रेज के अंदर, इस जगह हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्वेश्चन जब बने तो सब्जेक्ट आ जाता है। अगला एग्जांपल देखते हैं, हाउ डू वीमेन इम्प्रूव देयर हेल्थ, वर्ब फ्रेज है इसमें डू इम्प्रूव, और सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब क्या है, वीमेन, क्योंकि इस सेंटेंस में सिंगल प्रोनाउन या नाउन वही है वर्ब के पहले। देखिए, देयर आर मेनी रीजन फॉर एडमायरिंग द गर्ल चाइल्ड, वर्ब क्या है, आर, लेकिन इसमें क्या है, इसमें वर्ब का सब्जेक्ट देयर नहीं है, इसमें वर्ब का सब्जेक्ट रीजन है। क्यों, क्योंकि देयर एक एडवर्ब है, और कभी भी एक एडवर्ब सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। कैसे कहेंगे देयर एडवर्ब है, क्योंकि देयर आर को मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब आर को मॉडिफाई कर रहा है। आर कहाँ, आर के बारे में, उस वर्ब के बारे में कहाँ का आंसर दे रहा है, तो वहाँ या देयर, तो ये एक वर्ब है और कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता है। देयर एक ऐसा कंडीशन है कि देयर के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन इसमें वर्ब का सब्जेक्ट होता है, तो इस वर्ब का सब्जेक्ट इसके बाद आता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, बियॉन्ड द एल्प्स लाइज इटाली, इसमें वर्ब क्या है, लाइज, और सब्जेक्ट क्या, इटालीज। देखिए, बियॉन्ड एक प्रीपोजिशन है, तो यहाँ तक तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, तो सब्जेक्ट नहीं हो सकता है वर्ब का, इसलिए इस सेंटेंस में ये वर्ब का एक सिंगल नाउन प्रोनाउन यहाँ पे आया हुआ है, ये सब्जेक्ट होगा आपका। तो पिछले दो एग्जांपल में हम लोगों ने देखा कि ये ज़रूरी नहीं कि वर्ब का सब्जेक्ट हमेशा वर्ब के पहले ही आए, ऐसा भी हो सकता है कि वो वर्ब के बाद आए। सब्जेक्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट ऐसा हो सकता है कि एक या एक से अधिक प्रीपोजिशनल फ्रेज कंटेन कर सकता है, लेकिन वर्ब का सब्जेक्ट हमेशा सिंगल होगा, सिंगल नाउन और प्रोनाउन होगा, उसके अंदर कोई भी प्रीपोजिशनल फ्रेज और कोई अदर पार्ट ऑफ स्पीच नहीं होंगे।
इन एग्जांपल को देखते हैं और समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखिए, इन द कोल्ड वार रशिया क्लेम द फर्दर गेंस, ये देखिए ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, तो इसको हम लोग सब्जेक्ट नहीं करेंगे, कहेंगे वर्ब का सब्जेक्ट। वर्ब क्या है? क्लेम्ड, और इसके पहले एक नाउन है रशिया, तो वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? रशिया, इसलिए इसके हिसाब से ये सब्जेक्ट होगा, ये इसके हिसाब से ये वर्ब होगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल लीडर्स इन कोलकाता प्रिडिक्टेड अ रश ऑफ एप्लीकेशंस फॉर प्राइस एडजस्टमेंट। इसमें देखिए आपका बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल लीडर्स, इसमें क्या है? लीडर्स एक आपका सिंगल नाउन है इन दोनों के बीच, तो ये क्या है? ये आपका सिंगल नाउन वर्ब का सब्जेक्ट होगा और इसके हिसाब से ही ये आपका वर्ब होगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, द कॉस्ट ऑफ ऑटोमोबाइल्स हैज जस्ट राइजन 27%। देखिए द कॉस्ट, सबसे पहले तो जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है उसको हम लोग सब्जेक्ट के अंदर से निकाल देंगे। इस वाले में भी देखिए जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है उसको सब्जेक्ट के अंदर से निकाल देंगे, तो हमारा क्या हो रहा है कि वर्ब का सब्जेक्ट प्रीपोजिशनल फ्रेज में नहीं होगा। और प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होता है? प्रीपोजिशन प्लस नाउन या प्रोनाउन। तो सबसे पहले वर्ब का सब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि प्रीपोजिशनल फ्रेज उसमें से निकाल देंगे, और प्रीपोजिशनल फ्रेज के पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा वो आपका वर्ब का सब्जेक्ट होगा। तो ये देखिए कॉस्ट, ये क्या है? सिंगुलर है, तो इसके हिसाब से आपका ये वर्ब हैज है, सिंगुलर वर्ब। कुछ लोग आप ऑटोमोबाइल्स देखेंगे और इसको हैव कर देंगे, लेकिन वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे कॉस्ट एक नाउन है, सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसके हिसाब से ये वर्ब भी सिंगुलर होगा। आगे भी कुछ एग्जांपल देखते हैं, देयर गो माई ब्रदर्स, फिर से देयर एक वर्ब है, और जो गो को मॉडिफाई कर रहा, गो मतलब कहाँ, देयर गो कहाँ, देयर, तो गो के बारे में कहाँ क्या क्यों का आंसर कर रहा, तो ये एडवर्ब है। और एडवर्ब के इस वर्ब के बाद जो ये प्रोनाउन नाउन आया है ब्रदर्स, इसके हिसाब से ये वर्ब आपका गो है। ये आपका नाउन प्लुरल है, इसलिए ये आपका वर्ब गो भी प्लुरल है। वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड वाज किल्ड यस्टरडे। एक चीज़ देखिए दोस्तों कि फिर से इसमें एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज जो कि वर्ब का सब्जेक्ट नहीं होगा, और प्रीपोजिशनल फ्रेज छोड़ दें तो क्या बचा? वन ही इस वर्ब का सब्जेक्ट होगा, वन सिंगुलर है, इसलिए ये वाज भी सिंगुलर यहाँ पे है। ठीक है, ये वाज भी सिंगुलर वहाँ यहाँ पे है। एक और चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, वन ऑफ के बाद हमेशा जो नाउन या प्रोनाउन नाउन आता है वो आपका प्लुरल होता है। अगला एग्जांपल, द कैप्टन विथ ऑल हिज सिस्टर ब्रदर्स आंट्स एंड कजिन्स बाय डजन्स इज गोइंग अब्रॉड। देखिए ये एक प्रीपोजिशन, तो ये सब सारे के सारे यहाँ से यहाँ तक एक प्रीपोजिशनल फ्रेज में होंगे, तो इन सबको हम लोग वर्ब का सब्जेक्ट नहीं मानेंगे, निकाल लेंगे। और वर्ब का सब्जेक्ट क्या बचा? फिर ये सिंगल नाउन बचा, तो ये वर्ब का सब्जेक्ट हुआ। और कैप्टन क्या है? सिंगुलर है, इसलिए इस सिंगुलर के बदले यहाँ पे इज देखिए एक सिंगुलर है। राम लाइक हिज मदर एंड फादर हैज ब्राउन हेयर। देखिए लाइक इस जगह प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, पीछे भी हम लोग देख चुके हैं कि कोई भी वर्ड क्या फंक्शन कर रहा है इस पर डिपेंड करता है कि वो पार्ट कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो इस जगह लाइक एक प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, और प्रीपोजिशन है, तो ये यहाँ से यहाँ तक प्रीपोजिशनल फ्रेज में हो गया, तो ये हम लोग का वर्ब का सब्जेक्ट नहीं होंगे और वर्ब पे इफेक्टिव नहीं होंगे। तो राम एक सिंगुलर नाउन है, इसलिए ये वर्ब पे हैज है, सिंगुलर हैज, सिंगुलर वर्ब हैज, और राम ही आपके वर्ब पे इफेक्टिव होगा। अगला एग्जांपल देखते हैं, हैज ईदर ऑफ योर पेरेंट्स मैरिज सिंस डाइवोर्स। देखिए ईदर ऑफ जहाँ भी आए, ईदर ऑफ या नाइदर ऑफ जहाँ भी आए, उसका मीनिंग होता है ईदर ऑफ ईदर वन मीन्स ईदर वन, और नाइदर ऑफ मतलब नाइदर वन, इसका मीनिंग होता है, ये सिंगुलर होता है। तो इसके हिसाब से पहले तो ऑफ योर पेरेंट्स
ये आपका वर्ब का सब्जेक्ट नहीं होगा क्योंकि प्रीपोजिशनल फ्रेज है, तो इसके पहले जो प्रोनाउन है वो क्या होगा, जो इसके पहले प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट होगा। और इधर क्या है, सिंगुलर है, क्योंकि इधर ऑफ का मीनिंग होता है वन, तो वन एक सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर। अगर नाइदर ऑफ होता, नाइदर ऑफ योर पेरेंट्स, तब भी नाइदर ऑफ मतलब होता है नाइदर वन, और उसके हिसाब से वर्ब सिंगुलर। वाज ईच ऑफ द क्रिमिनल्स ट्राइड सेपरेटली, ईच ऑफ का भी मीनिंग वन होता है और ये भी सिंगुलर होता है। और यहाँ से यहाँ तक सबसे पहले ये प्रीपोजिशनल फ्रेज में है, तो इसको निकाल देंगे और ये आपके वर्ब के सब्जेक्ट नहीं होंगे, वर्ब पे इफेक्ट कुछ नहीं डालेंगे। ईच ही जो है वर्ब का इफेक्ट डाल रहा है, ईच सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। अगला एग्जांपल देखते हैं, दिव्यास ब्यूटी एज वेल एज हर वर्सालिटी एंड चार्म हैज मेड हर अ वेरी पॉपुलर गर्ल इन द कॉलेज। दिव्यास ब्यूटी एज वेल एज हर वर्सालिटी एंड चार्म हैज मेड हर अ वेरी पॉपुलर गर्ल इन द कॉलेज। सबसे पहले एज वेल एज एक प्रीपोजिशनल एज है, ट्रिपल प्लाई प्रीपोजिशन बोलते हैं, ट्रिपल प्लाई प्रीपोजिशन, तो ये तो एक यहाँ से यहाँ तक वर्ब का सब्जेक्ट नहीं होगा। वर्ब का सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, दिव्या, तो दिव्या सिंगुलर और ये सिंगुलर, इसलिए इसका वर्ब हैज भी सिंगुलर। तो इस पूरे लेक्चर में हम लोगों ने क्या प्रिंसिपल देखा कि सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब क्या है, यूजुअली एक सिंगल वर्ड नाउन या प्रोनाउन होता है, वो किसी भी प्रीपोजिशनल फ्रेज के अंदर नहीं आता है। सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कोई कंजक्शन, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कोई आपका वर्ब या फिर एडजेक्टिव कंटेन नहीं करता, कोई पार्ट ऑफ स्पीच कंटेन नहीं करता है। नंबर ऑफ द वर्ब डिपेंड्स क्या करते हैं, नंबर ऑफ द वर्ब डिपेंड करता है सिंगल वर्ड सब्जेक्ट, कौन हम लोग सब्जेक्ट सेंटेंस में कौन सा वर्ब यूज करेंगे वो सिंगल नाउन या प्रोनाउन के ऊपर डिपेंड करता है। और ये भी हम लोगों ने देखा कि यह जरूरी नहीं कि वर्ब का सब्जेक्ट हमेशा वर्ब के पहले आए, वर्ब के बाद भी आ सकता है, देयर का केस में देयर इज देयर आर। एक और चीज़ हम लोगों ने देखा कि सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा और प्लुरल सब्जेक्ट हमेशा प्लुरल वर्ब लेगा। कुछ इंडिफिनिट प्रोनाउन होते हैं, उनके संग भी वर्ब का एग्रीमेंट होता है, जैसे इंडिफिनिट प्रोनाउन पीछे लेक्चर में भी हम लोगों ने देखा था, अभी भी देख लेते हैं, ईच एवरी एवरी वन समवन समबडी नोबडी नन वन एनी मेनी मेनी मोर देन वन और सिंगुलर आर सिंगुलर, ये सब सिंगुलर होते हैं और इसलिए ये सिंगुलर वर्ब ही लेंगे। ये जो इंडिफिनिट प्रोनाउन होते हैं सिंगुलर होते हैं मीनिंग में, इसलिए इनके संग जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर वर्ब होगा। एग्जांपल में देखते हैं, ईच स्टूडेंट हैज कम, ईच एक सिंगुलर इंडिफिनिट है इसलिए हैज वर्ब, ईच बॉय एंड ईच गर्ल सिंगुलर इसलिए आपका सिंगुलर। मैनी अ, मैनी अ के बाद जो ये नाउन आता है वो हमेशा सिंगुलर होगा और इसमें यूज होने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा। मैनी अ के बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा सिंगुलर होता है और इसलिए इसमें यूज होने वाला वर्ब भी सिंगुलर होता है। मोर देन वन भी सिंगुलर होता है इसलिए इसके संग सिंगुलर वर्ब। मैनी अ मैन, मैनी अ के बाद हमेशा जो नाउन आता है सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब भी लेता है। मैनी मैन, अगर मैनी अ को ए को निकाल दिए तो मैनी के संग ये नाउन आपका प्लुरल होगा और प्लुरल वर्ब भी यूज होगा। आप इन दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखिए और कंपेयर करिए, आपको डिफरेंस समझ में आएगा। अ ग्रेट बॉयज हैव डन दिस, बॉयज इस हैव का सब्जेक्ट हो रहा है इसलिए इसके हिसाब से ये मैनी फिर से इस जगह सब्जेक्ट हो रहा है, मैनी गर्ल्स इसलिए फिर से ये आपका प्लुरल वर्ब प्लुरल मैनी गर्ल्स के साथ। रिलेटिव प्रोनाउन के संग भी हम लोग वर्ब का एग्रीमेंट करते हैं, देखते हैं कैसे। एग्जांपल में, सी इज वन ऑफ द नोबलेस्ट वीमेन दैट हैव एवर लिव्ड ऑन, ठीक है,
ये देखिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या क्या है, क्या क्या है, हु विच दैट, ये सब और भी था हम लोगों ने देखा था। तो ये डिसाइड करेगा कि इसका इसका वर्ब कैसा होगा। विमेन ये सिंगुलर है, प्लुरल है, तो ये भी वर्ब प्लुरल है। पीछे हम लोगों ने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रिलेटिव प्रोनाउन क्या देखा था, रिलेटिव प्रोनाउन किसी सेंटेंस में प्रीवियसली मेंशन नाउन को पॉइंट करता है, रिलेट करता है। तो ये दैट सेंटेंस में पीछे इस नाउन को रिलेट कर रहा है, इसलिए इस नाउन के हिसाब से ही इसका वर्ब होगा। इट इज आई हु, ये देखिए रिलेटिव प्रोनाउन, और आई ये क्या कर रहा है, इस प्रोनाउन को रिलेट कर रहा है, और इसके हिसाब से ही इस वर्ब को हम लोग लेंगे। तो आई के संग किस वर्ब का यूज होता है, एम का। अगर सिंपल रूल में इसको फॉर्मुलेट करना चाहे तो क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन नॉमिनेटिव प्लस रिलेटिव प्रोनाउन और वर्ब अकॉर्डिंग टू ये किसके किसको रिलेट कर रहा है, किस तरह के नाउन या प्रोनाउन को रिलेट कर रहा है। अगर प्लुरल नाउन प्लुरल प्रोनाउन को ये रिलेट कर रहा होगा तो वर्ब प्लुरल, अगर सिंगुलर को रिलेट कर रहा होगा तो वर्ब सिंगुलर। शुरुआत में हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम लेके चला था, उसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि जो भी हम लोगों ने देखा इस थ्योरी में कवर हो गया उससे रिलेटेड। द कॉस्ट ऑफ कार्स आप देखेंगे कार्स और कहेंगे यार सही है नहीं, लेकिन ये क्या हो रहा है, प्रीपोजिशनल फ्रेज, इसलिए इस वर्ब का सब्जेक्ट नहीं होगा कार्स, इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या होगा, कॉस्ट, जो सिंगुलर है, इसलिए ये इस जगह क्या होगा, सिंगुलर इज होगा। दूसरा देखिए, द होल बुक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग शॉप्स वेयर, ये देखिए ऑफ फ्लैट्स और शॉप, ये भी एक प्रीपोजिशनल फ्रेज में आ गए हैं, तो इसके हिसाब से ये आपका वर्ब नहीं होगा बल्कि ब्लॉक के हिसाब से होगा। ये सिंगुलर आपका नाउन सिंगुलर है, इसलिए ये क्या होगा, वर्ब की जगह वाज होगा। इधर ऑफ हम लोगों ने देखा क्या कि इधर क्या होता है, सिंगुलर होता है, इधर ऑफ मीन्स होता है इच इधर वन, इसलिए ये हमेशा क्या होगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। तो ये जो वर्ब है गलत है, इसके संग लिट्स होगा, एस लगा होगा इसके संग। नाइदर ऑफ का भी मीनिंग क्या होता है, नाइदर वन, और नाइदर भी सिंगुलर होता है, इसलिए इसके संग देखिए ये आपका फ्यूचर में है, इसलिए ये सही है। इसमें हम लोगों को उतना वर्ब का कुछ सब्जेक्ट एग्रीमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और एक चीज़ लेकिन ध्यान दीजिए कि ऑफ के बाद आने वाला ये सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट कौन है, नाइदर के हिसाब से यहाँ कोई और वर्ब होता तो होता। मेनी अ मैन, फिर से मैं बता रहा हूँ कि मेनी अ के बाद हमेशा जो नाउन आएगा वो सिंगुलर होगा, और इसके संग जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे वर्ब प्लुरल हैव, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हैज करेंगे। पेशेंस एज वेल एज परसेवरेंस, तो ये क्या है, एक एज वेल एज ट्रिपल प्लाई प्रीपोजिशन पीछे हम लोगों ने देखा, तो ये क्या होगा, ये हम लोग का वर्ब का सब्जेक्ट नहीं होगा, वर्ब इफेक्टिव नहीं होगा, कौन सा इफेक्टिव होगा, पेशेंस, और ये सिंगुलर है, इसलिए ये वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। इट इज आई हु इज टू ब्लेम, देखिए ये आई और ये रिलेटिव प्रोनाउन, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, पीछे मेंशन नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करता है, इसलिए इसके बाद आने वाला वर्ब इस पीछे आए हुए नाउन के या प्रोनाउन के हिसाब से होगा। तो आई के हिसाब से यहाँ पे वर्ब क्या होगा, एम होगा। ठीक है, आज के लिए इस लेक्चर में यहीं तक, इसका दूसरा पार्ट भी हम लोग जल्दी अपलोड कर देंगे, आप उसमें देख लीजिएगा, और इसके कॉन्सेप्ट को भी हम लोग उसमें यूज करेंगे, उसमें देखेंगे कि कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होता है, और जब कंपाउंड सब्जेक्ट आए तो वर्ब हम कैसे यूज करेंगे। तब तक लिए थैंक यू।